अरविंद केजरीवाल की जमानत पटीशन से आज सुप्रीम कोर्ट सुनावेगी फैसला। केजरीवाल ने सीबीआई दे वल्लों की गिरफ्तारी नूं दित्ती चुनौती। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले जेल च बंद ने अरविंद केजरीवाल। लुधियाना की पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अज तो शुरू हो रहा है किसान मेला। सवेरे 11 बजे मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे शुरुआत। 2 दिन तक चलेगा मेला। एनएचएआई दे वल्लों पाई पटीशन ते अज हाई कोर्ट दे विच अहम सुनवाई। पंजाब सरकार दे खिलाफ कोर्ट गई है हाईवे अथॉरिटी। जमीन एक्वायर करन नूं लैके है विवाद। इकबाल सिंह लालपुरा ने अपने विवादित बयान दे लई मंगी माफी। कहा मैं अपनी गलती करदा हां स्वीकार। गुरु नानक देव जी नूं दस्सिया सी भगवान विष्णु दा अवतार। आज दूजे दिन भी जारी रहेगी पंजाब दे विच डॉक्टरां दी हड़ताल। सारा दिन सरकारी हस्पतालां च बंद रहेगी ओपीडी। मरीजां नूं हो रही भारी परेशानी। बिजली बोर्ड दे मुलाजमां ने 5 दिनां दे लई होर वधाई हड़ताल। कहा अधिकारियां जां मंत्री दे नाल मीटिंग दा नहीं मिलिया समां। पहला 3 दिन लई सी हड़ताल। पंजाब च वड्डा प्रशासनिक फेरबदल। 10 डिप्टी कमिश्नरां दा तबादला। जितेंद्र जोरवाल दी थां संदीप ऋषि नूं संगरूर दी कमान। तां सेनू दुग्गल दी थां अमरप्रीत कौर नूं फाजिलका जिले दी जिम्मेवारी। जंडियाला गुरु दे विच दे पिंड तारण च चलियां गोलियां। चंडीगढ़ ग्रनेड हमले दा जुड़ रहा है विदेशी कनैक्शन। विदेश दे विच बैठे हैप्पी पाशिया ने कथित पोस्ट दे विच लई जिम्मेवारी। नकोदर गोलीकांड का जिक्र करदे आ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी तो बदला लैण दी लिखी गल। जंडियाला गुरु दे पिंड धारण च चलियां गोलियां। मारुति कार ते आए 4 हमलावरां ने कीती फायरिंग। एक नौजवान की छाती च लगी गोली। हालत गंभीर। तरन तारण के नौशहरा पनुआ दे विच गोलियां मार के आप वर्कर का कतल। बुलेट सवार 2 हमलावरां ने कीती फायरिंग। बचित्तर सिंह दे वजो हुई मृतक की पछाण। नहीं रहे कामरेड सीताराम येचुरी। 72 साल की उम्र दिल्ली के एम्स च लए अखिरले सां। पिछले कुछ समय तो सन बीमार। CPIM दे जनरल सकत्तर सन येचुरी। सत श्री अकाल न्यूज 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाड़े नाल खुशोत संधु। उम्मीद है तुसी सारे खैरियत दे नाल होंगे। तो बुलेटिन की शुरुआत करांगे सब तो पहला मोगा तो, जिथे कि बाघा पुराणा के समाज सब दे विच NIA दे वल्लों रेड की गई है। कविशर मक्खण सिंह मुसाफिर के घर NIA दे वल्लों रेड की गई है। तस्वीर तो दस दिए कि NIA की छापेमारी चल रही है। तो वड्डी खबर इस वेले की चढ़ती सवेरे वड्डी खबर आई है बाघा पुराणा के समाज सब दे विच NIA दे वल्लों छापेमारी की जा रही है। कविशर मक्खण सिंह मुसाफिर के घर NIA दे वल्लों रेड की जा रही है। तस्वीर वेले तो छापेमारी चल रही है। तस्वीर वेले तो NIA दे वल्लों रेड की जा रही है और खंगालिया जा रहा है बाघा पुराणा के समाज सर के NIA आदि रेड है। और कुल मिला के दस दिए कि समय समय से और इस तरीके चढ़ती सवेर ही रात के हनेरे दे जदों सवेर होंगी है तो उस वेले ही छापेमारी जी शुरू कर दी जाती है। अमूमन तौर पर सवेर वेले टीम पहुँच जाए ने ताकि किसी को भी किसी तरीके कोई गड़बड़ी करने की कोई कोशिश ना करे। तो कविशर मक्खण सिंह मुसाफिर ने उन्होंने घर ये रेड चल रही है। तो दीपक सिंगला मेरे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ चुके ने। दीपक की कुछ जानकारी है रेड नू लैके। देखो साहब जो जी हम तक की जानकारी मिली है कि मोगा के बाघा पुराणा के पिंड मालसर के विखे जिथे कि मक्खण सिंह कविशर है उन्होंने घर NIA की रेड हुई है। उसके बाद 5:30 बजे के करीब जी NIA की टीम उसे पहुंची है। हालांकि जानकारी यह भी मिल रही है कि मक्खण सिंह मुसाफिर घर च नहीं है कि बाहर गए हुए हैं, लेकिन घर के अंदर जी मुश्किल NIA वालों चल रही है और पिंड के सरपंच और होर जो बुधवार बंदे है वह भी उन्होंने घर के मौजूद ने। हजे ये जानकारी नहीं मिलती कि किस कारण जी है NIA की टीम उ पहुंची है। हालांकि NIA की टीम वालों जी उ पूछगछ उन्होंने की जा रही है। थोड़ी देर तक सारा साफ हो पाएगा कि आखिर किस गलों को लेकर जी NIA की टीम पहुंची है। जानकारी मिली है कि पंजाब के होर भी कई जगह NIA की टीम ने रेड की है। सबजोत ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी लिए धन्यवाद है। तो कुल मिला के फिलहाल ये शुरुआती असी जानकारी जी है मेरे सहयोगी तो नहीं है और बाघा पुराणा का समाज सर है जिथे रेड चल रही है। इस तो इलावा
दीपक ये भी दस रहे थे कि होर भी कई थावां ने जिथे कि रेड चल रही है, तां वो भी जानकारी हौली हौली जी है वो सामने आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके दे नाल छापेमारियां होंदियां ने। उधर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए अज वड्डा दिन है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दस के चुनौती दी थी। टैक्साइज पॉलिसी के सीबीआई केस के नाल सारा मामला जुड़िया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर फैसला सुरक्षित रखा है, तो फिलहाल तिहाड़ जेल के बंद ने अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के वालों की गई गिरफ्तारी भी दस के चुनौती दी है, और इस तो पहला हालांकि जोड़ा मामला है इस मामले के शराब घोटाले के जो पहला तो ही कार्रवाई चल रही थी ईडी की, तो उस जमानत मिल चुकी है अरविंद केजरीवाल, जिस तो बाद आज नजर टिकिया हुई ने कि सीबीआई केस के नाल जो जुड़िया हुआ मामला है उस दे विच जिहड़ी जमानत है मिलती है या फिर नहीं। अगे बढ़ते हैं, तो चंडीगढ़ ग्रनेड हमले का विदेशी कनैक्शन सामने आया है। इस मामले के विदेश बैठे गैंगस्टर हैप्पी पाशिया का कथित पोस्ट सामने आया है, जिस दे विच उसने हमले की जिम्मेवारी ली है। चंडीगढ़ के सैक्टर 10 के हुए ग्रनेड हमले को लेकर सोशल मीडिया से एक पोस्ट सामने आई है। कथित रूप के नाल ये सोशल मीडिया पोस्ट विदेश के बैठे गैंगस्टर हैप्पी पाशिया की है, जिस विच हैप्पी पाशिया ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है। इस पोस्ट के विच सन 1986 के नकोदर गोलीकांड का जिक्र किया गया है, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर तो बदला लैन के लिए हमला करने की गल कही गई है। सबका SSP जसकीर्त सिंह चाहल पिछले साल इसे घर के रेंदे सन। एक जो पोस्ट आई है, हालांकि न्यूज 18 उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो पोस्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि 1986 में जो नकोदर गोलीकांड हुआ था उसका हमने बदला लिया है। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि उस समय जो अभी तक जानकारी मिली है कि जो यहां पर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रहते थे किराए पे, हालांकि अब नहीं रहते, वो उस समय के वहां पर पुलिस ऑफिसर रहे थे, तो कहीं ना कहीं दुश्मनी किसी गैंगस्टर्स की आपसी दुश्मनी इस के एंगल से भी पुलिस काम कर रही है। और एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक बड़ा कनेक्शन, क्योंकि 2023 में जो FIR हुई थी, FIR नंबर 18 स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने यहां पर FIR की थी और दो लोगों को इसमें गिरफ्तार किया था, जो इसी कोठी पर यानी कि 2023 में भी इसी कोठी पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे, और इसी पार्क में बैठ के, यानी कि जो अभी तक पुलिस ने जानकारी दी है कि इसी पार्क में बैठ के पूरी रैकी की जा रही थी, लेकिन अटैक से पहले ही मोहाली पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया था, हालांकि वो लोग जेल में हैं, और दोबारा से इसी कोठी पर अटैक करने पहुंचे। पंजाब पुलिस के नाल नाल NIA भी हमले की जांच कर रही है। दावा किया जा रहा है कि वारदात के पिछे पाकिस्तान विच बैठा दहशतगर्द हरिंदर सिंह उफरिंदा दा है। जांच एजेंसियों का मनना है कि अपने जिगरी दोस्त लखबीर सिंह लंडा दे नालों अलग होने तो बाद वो ज्यादा खूंखार हो गया। रिंदा ने हुण अपने नवे सहयोगी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पाशिया दे नाल मिलके इस वारदात नूं अंजाम दिता है। रिंदा एक खालिस्तानी दहशतगर्द है अते उसने पंजाब पुलिस के सबका SSP जसकीर्त सिंह चाहल नूं निशाना बनाउण दे लई इस हमले नूं अंजाम दिता है। मकान मालिक ने दावा किया कि आटो दे विच सवार दो लोगों ने उसके घर से ग्रनेड सुटिया सी। हालांकि इस हमले दे विच किसी का नुकसान नहीं होया, पर घर के खिड़कियां अते बगीचे विच कुछ रखे गमले टुट गए। CCTV फुटेज दे विच दो दिन पहला दो नौजवान इलाके की रेकी करते देखे जा सकते हैं, जिसके बाद इस घटना नूं अंजाम दिता गया। कह सकते हैं कि पूरी प्लानिंग के तहत, पूरी रैकी के तहत इस पूरी जो वारदात को अंजाम दिया गया था, और इसी बता दें कि इसी रोड से वो यहां से फरार हुए। जो CCTV आई है बिल्कुल इसी जगह जो ऑटो लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी साइड यानी कह सकते हैं कि इसी साइड बिल्कुल बाहर का जो रोड जा रहा है इसी साइड वो भागे हैं, और आगे जाके जो ऑटो ड्राइवर की स्टेटमेंट है कि वो आगे जाके थोड़ी दूरी पर वो उतरकर वहां से फरार हो गए थे। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहां गए। जांच एजेंसियों को मिले सुराग के मुताबिक मुलजमान ने साल 2023 पंजाब पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर से हमले का प्लान बनाया, जिस विच दो रेकी करने वालों
मोहाली पुलिस की इंटेलीजेंस विंग ने फड़िया सी। दोवें मुलजम खालिस्तानी दहशतगर्द रिंदा दे नाल सिद्ध तौर पर जुड़े सन। फिलहाल दोवें मुलजम पंजाब की जेल के बंद ने। चंडीगढ़ तो मनोज राठी सेठी। तो चंडीगढ़ धमाके वाली कोठी के मालक का बयान आया है, ब्लास्ट के मौके असी घर के ही मौजूद सी। कोठी के मालक का यह कहना है अचानक ब्लास्ट होया तो घर तो बाहर निकले, कुछ लोग ऑटो के बैठ के फरार हो गए और ब्लास्ट के नाल कोठी के शीशे टुट गए। और उन्होंने भी कहा है कि साड़ी किसी के नाल कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं है। पहला पंजाब पुलिस का सबका अफसर इतने रहा, कुछ दिन पहला वो इतों शिफ्ट हो गए ने। तो कोठी मालक का यह बयान आया है। कल तकरीबन 6:02-3 पे तकरीबन एक शख्स आया बाहर से ऑटो में और उसने हाथ से ग्रेनेड लॉन्च किया हमारे पास। तो सर उस वक्त आपके फादर साहब बैठे थे, हम दोनों बैठे थे यार, मुंह पे आ गया बिल्कुल यार, दोनों बरामदे में बैठे थे हम। अच्छा जी। तो खुशकिस्मती से जो ग्रेनेड बरामदे में नहीं फटी, अच्छा जी, उसके कारण गमलों ने बचा लिया हमको। इम्पैक्ट तो बहुत ज़बरदस्त हुआ था, तो हम पे बिल्कुल जनरेट तक नहीं आई। मुझे तो बम मालूम नहीं था वो बम होगा या ग्रेनेड होगी, तो मैं उसको बंदे को चैलेंज किया सर क्या फेंक रहा है, तो मैंने सोचा तो मैं उसके पास गया, फिर फादर के पास देखा कि ठीक है कि नहीं है। तो जी इस दरमियान में वो ऑटो में चढ़ के रवाना हो गया। सर इसमें जब उसने ग्रेनेड फेंका था, हाँ जी, तो उसके बाद आप उसका पीछा करते हुए भी गए थे? मैं गया था, वही उतारों पहले मैं फादर के हालचाल देखा कि यार ठीक है कि नहीं है, इन्होंने बोला ठीक है, फिर मैं मुड़ के जब मैं दौड़ के गया उसका पीछा किया मैंने, तो मगर वो तब तक आगे पहुँच चुका था थोड़ा सा। अच्छा, मटका चौक तक नहीं, यहाँ मटका चौक तक तो कहाँ भागना था, मैं तो भाग के गया ना, तो यहाँ फिर मैंने लिफ्ट ली किसी से, तो लिफ्ट लेके फिर पीछा किया, बट वो आगे निकल चुका था तब तक वो। अच्छा, वो किसी काम नहीं आया पीछे चेस, तो फिर मैं बस उतना मैं वापस आ गया, तब तक ये पुलिस वाले आ गए थे यहाँ पे, धमाका सुन के सारे पड़ोस के बंदे। और सर ये भी कहानी आ रही है कि पीछे इस घर में आप ये अब ये तो कहानियाँ इसके बारे में ना पूछिए, ये कहानियाँ कोई रहते थे पहले यहाँ पर? वो बड़ी पुरानी बात है जी। अच्छा, कम से कम 18 महीने पहले रहते थे, छोड़ गए थे। अच्छा, छोड़ गए थे, उसके बाद आप भी थे? उसके बाद और थे आए, फिर उसके बाद अब कोई और आए हैं। अच्छा, वो किराए पे? किराए पे हम नीचे रहते हैं। अच्छा, उतले किराएदार से सड़क चले गए नहीं हुई आया जी, पहली तरीक तो आए ना। अच्छा, हाँ मेरे फादर तो है। हाँ जी, हाँ जी, 18 महीने पहले। आपके फादर साहब की एज कितनी थी? 100 साल। अच्छा, कोई उनको किस तरह की कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी जब वो बाहर बैठे थे? तो कोई क्या लग रहा है आपको कि पहले कोई दुश्मनी आपकी किसी से? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम यहाँ मेरी 91 में शादी हुई थी, हम तो कभी पड़ोसियों के साथ भी लड़ाई नहीं हुई है। नो एनिमी नथिंग। क्या कारण लग सकता है? आई हैव नो आईडिया दैट पुलिस विल डिस्क्लोज। पुलिस ने कैसी कार्रवाई की है, किस तरीके से? आई डोंट नो, द बम स्क्वाड केम, एम्बुलेंस एंड ऑल पीपल केम, दे डिड देयर जॉब। मतलब अभी चल रहा है? आई थिंक नाउ, आई नो, आई थिंक सो ओवर, ओनली द पुलिस इज सिटिंग आउटसाइड द हाउस टू गिव अस प्रोटेक्शन। हुण गल करांगे इकबाल सिंह लालपुरा दे स्पष्टीकरण दी। लालपुरा ने अपने बयान नूं लैके श्री अकाल तख्त साहिब नूं लिखती पत्र भेजिया है ते माफी मंगी है ते हर आदेश दी पालना करन दी गल कही है। भगवान विष्णु, आप इस संसार में नानक के रूप में आए। कौमी घट गिणती कमिशन दे चेयरपर्सन इकबाल सिंह लालपुरा दा यह बयान 4 सितंबर दा है, जदों लालपुरा ने गुरु नानक देव जी नूं विष्णु दा अवतार दस्या तां श्रोमणी कमेटी प्रधान ने इस बयान ते सख्त इतराज जतांदिया अकाल तख्त साहिब तों कार्रवाई दी मंग कीती। तां इस दे विचाले हुण इकबाल सिंह लालपुरा ने अकाल तख्त साहिब नूं लिखती पत्र भेजदे होए अपने बयान नूं लै के माफ़ी मंगी है। लालपुरा ने लिखिया कि गुरु पंथ दे दास दे इक निमाणे सिख वजों दास इकबाल सिंह लालपुरा बेनती करदा हाँ कि मिति 4 सितंबर 2024 नूं दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली विच होए इक समागम समें मेरे वालों श्री गुरु नानक बारे हिंदू देवता भगवान विष्णु का अवतार कहण आदि के दोष लगे हैं। मैं बिना इस दी कोई व्याख्या दिते अपनी गलती स्वीकार करता हाँ। मैं किसी तर्क के विवाद के ना पै के
श्री अकाल तख्त साहब की महान संस्था के सतिकार नूं पूर्ण रूप दे विच समर्पित हाँ ते हर आदेश की पालना करांगा। दरअसल 4 सितंबर नूं दिल्ली के दयाल सिंह कॉलेज दे विच एक समागम रखा गया तो इसे दौरान संबोधन करदे इकबाल सिंह लालपुरा ने यह बयान दिता सी, जिस दे बाद SGPC प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने इस ते सख्त इतराज जताया ते सिखां नूं सनातन दे नाल रलगड़ करन दी कोशिश दे इल्जाम लगाए ते अकाल तख्त साहब नूं मामले दा नोटिस लैण दी अपील कीती। गुरु नानक के बारे में गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, आप नारायण कला तार जग में परवरियो। भगवान विष्णु आप इस संसार में नानक के रूप में आए, निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करियो और यहां अंधेरे को दूर कर दिया। ਤਾਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18, ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। अमेरिका च राहुल गांधी वालों सिखां बारे दिते बयान ते संग्राम मचिया होया, जिस नूं लै के भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलिया, दिल्ली च जम के प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के आगू तरविंदर सिंह मरवाहा ने राहुल गांधी नूं धमकी तक दे दिती ते कहा कि जे राहुल गांधी समा रहिंदे बाज ना आए ता आउण वाले समें दे विच तुहाडा वी ओही हाल होएगा जो तुहाडी दादी दा होया सी। राहुल गांधी नूं मिली इस धमकी दी गूंज तुरंत पंजाब पहुंच गई। तरविंदर मरवाहा दे खिलाफ मोर्चा संभालिया पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ने ते कहा कि जिन्हां नूं राहुल गांधी ने बनाया हुण ओही सवाल चुक रहे ने। राहुल गांधी ने सिखां दे खिलाफ कुछ नहीं कहा ते कोई उन्हां वल अख चुक के भी नहीं देख सकता। जिनको राहुल गांधी ने बनाया कम से कम वो तो ना टिप्पा टिप्पणी करे और बिना वे बजा, ना तो सिखों को कोई भड़काने का काम किया है, ना राहुल गांधी सिखों को कभी भड़काता है और किसी को भी नहीं भड़काते। राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं। अब बीजेपी वालों को राहुल गांधी से डर लगता है। एक वो जंगपुरा वाला जो 4 बजे के बाद टल्ली हो जाता है, वो बताएगा इतिहास, वो बताएगा कि राहुल गांधी को हम ऐसा करेंगे। तो राहुल गांधी की आंख की तरफ भी जरा उठा के देखना, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। उधर भाजपा ने अमेरिका च राहुल गांधी दे बयान ते सवाल चुके ते कहा कि उन्होंने सिखां बारे बयान दे के देश ध्रोह वर्गा काम कीता है। करोड़ों हिंदुस्तानी जिस प्रकार की छवि हिंदुस्तान का दिखाया गया है अमेरिका में, हम उससे आहत हैं। ये राष्ट्रद्रोह का काम राहुल गांधी ने अमेरिका में किया है। जब जाति से जाति को भिड़वाने का काम दूसरे राष्ट्र में किया जाता है, धर्म से धर्म को भिड़वाने का काम दूसरे राष्ट्र में किया जाता है, सिखों के ऊपर इस प्रकार की तल्ख टिप्पणी दूसरे राष्ट्र में की जाती है तो ये देशद्रोह कहलाता है। जिक्रयोग है कि राहुल गांधी का इस बार का अमेरिकी दौरा विवादां च है, जिथे उन्होंने पहला सिखां बारे बयान दिता तो बीते दिन भारत की विरोधी मनी जाती इलहान उमर के नाल मुलाकात की, जिस तों बाद वह लगातार विरोधी धिरां दे निशाने ते ने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, पंजाब।